हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये चार कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, पहला कंडीशन, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब क्या, आपका कंपाउंड रिंग फॉर्म में होना चाहिए। ओके, देन सेकेंड, आपका कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, ऑल्टरनेट पोजिशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर होना चाहिए, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर। प्लेनर मतलब क्या, जो भी आपके कार्बन आइटम है वो कैसे होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, तो आपका कंपाउंड कैसा रहेगा, प्लेनर रहेगा। देन फोर्थ कंडीशन इज इट शुड ओबेस दी हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, दैट इज 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके कंपाउंड में। ओके, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, अगर हम यहाँ पर n के जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2π इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ओके, अगर 1 पुट करेंगे तो 6π इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 2 पुट करने पर हमें मिलेगा 10π इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 40π इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 के लिए मिलेगा 18π इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके कंपाउंड में, ओके, तो आपका कंपाउंड हकल रूल को ओबे कर रहा है। ओके, मतलब अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई है आपके कंपाउंड में तो आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा, तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग के जो 3 कंडीशन है, ओके, स्टार्टिंग के 3 कंडीशन आपका कंपाउंड फॉलो कर रहा है, ओके, और हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आपका कंपाउंड कैसा होगा, वो रहेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कब होगा, ओके, यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग की जो 3 कंडीशन है, दैट इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर। ओके, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तब आपका कंपाउंड कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने पहला एग्जाम्पल लिया है बेंजीन का। ओके, तो ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले देखना है कि साइक्लिक है या नहीं। ठीक है, ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ग्रीन के फॉर्म में है। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन, कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, ऑल्टरनेट पोजिशन पर एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ओके, तो सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है। देन थर्ड देखेंगे, प्लेनर है या नहीं। ठीक है, मतलब सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ओके, sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या, हर एक कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब सारे कार्बन के पास एक एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब आपका कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। ओके, देन फोर्थ इज हकल रूल को ओबे कर रहा है नहीं आपका कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है। ठीक है, आपको पता है कि एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर है टोटल 3 बॉन्ड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कंपाउंड, दैट इज बेंजीन का कंपाउंड, वो हकल रूल को ओबे कर रहा है। ठीक है, मतलब ये चारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, ये कैसा है, साइक्लिक है। ओके, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। ठीक है, फोर्थ हम चेक करेंगे, हकल रूल को ओबे कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर देखिए कितने बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 5 × 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, जब यहाँ पर 10π इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर देखिए 10π इलेक्ट्रॉन, मतलब हकल रूल को ओबे कर रहा है ये कंपाउंड। ओके, मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन सी द थर्ड एग्जाम्पल। ओके, देखिए ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है। कॉन्जुगेटेड कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज होता है तब भी क्या बोलते हैं हम, आपका कंपाउंड कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट, ये प्लेनर है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इस कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। जब कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फिर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, तब आपका कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, मतलब ये कार्बन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये कंपाउंड प्लेनर है। ओके, देन नेक्स्ट हमको चेक करना है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं नहीं। ओके, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है।
ठीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड हकल रूल को ओबे कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी द फोर्थ कंपाउंड। ओके, यहाँ पर देखिए ये कैसा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2, 6, 10, 14, 18 है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब हकल रूल को ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, जब चारों कंडीशन में से 3 कंडीशन आपका कंपाउंड ओबे करता है और फोर्थ वाला कंडीशन ओबे नहीं करता है, तो आपका कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड को देखिए, तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ओके, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। देन नेक्स्ट ये कंपाउंड हकल रूल को ओबे कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड क्या होता है, ये आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड को ही हम डबल बॉन्ड बोलते हैं और सिग्मा बॉन्ड को ही हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर है 2 डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको पता है कि हकल रूल में 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड हकल रूल ओबे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक है, ओके, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। देन नेक्स्ट यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। ओके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो कंपाउंड कैसा रहता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। ओके, ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ओके, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। कॉन्जुगेटेड कैसा है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ठीक है, मतलब ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड है। ओके, देन नेक्स्ट ये कंपाउंड हकल रूल को ओबे कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल। ओके, तो ये देखिए ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ओके, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके, इस लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज ये रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले रहा है, ये लोन पेयर कैसा है, बाहर साइड है। ओके, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं कितने डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब ये कंपाउंड कैसा है, इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, दिस एग्जांपल, तो यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ओके, देन नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग के 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो कंपाउंड कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो ये देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में है ही नहीं, ये कैसा है, ओपन चेन है। ओके, मतलब पहला ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन सी दिस एग्जांपल। ओके, तो ये है साइक्लिक फॉर्म में, कॉन्जुगेटेड है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए डबल है, सिंगल सिंगल। ओके, कॉन्जुगेटेड के लिए क्या होना चाहिए, डबल सिंगल डबल होना चाहिए, या फिर डबल सिंगल लोन पेयर, और डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, और डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पर देखिए ये है डबल, सिंगल सिंगल, मतलब ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ओके, आपको सिर्फ ये 4 कंडीशन याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये 4 कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है, मतलब आपका कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है।
ओके अगर स्टार्टिंग के थ्री कंडीशन सेटिस्फाई है और चौथा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है ओके तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ओके। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग के थ्री कंडीशन में से अगर यहाँ पर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ओके। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।